संबल जनपद की चंदौसी में संबल गेट में स्थित NKBMG डिग्री कॉलेज में आज आशु भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कॉलेज की छात्राओं ने समाज के विभिन्न ज्वलंत मुद्दे, मोबाइल का दुरुपयोग, जनसंख्या नियंत्रण, कानून एवं आरक्षण का आधार जाति या आर्थिक पर अपने विचार रखे। इस अवसर पर कॉलेज की अध्यापिका ने कहा कि इस प्रतियोगिता के दौरान छात्राओं ने विभिन्न ऐसे सामाजिक मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किए जिनसे हम लोग कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। हमारे महाविद्यालय में शैक्षणिक समिति के तत्वाधान में एक आशुवाक भाषण प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिसमें हमारे महाविद्यालय की काफ़ी छात्राओं ने प्रतिभागिता की है। और इस प्रतियोगिता में जो हम लोगों ने विषय रखे हैं वो सारे ऐसे नेशनल इश्यूज़ हैं जिनसे हम सभी लोग प्रभावित हो रहे हैं, जैसे जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना राष्ट्र हित में है, मोबाइल का बढ़ता हुआ दुरुपयोग, आरक्षण का आधार जातीय हो अथवा आर्थिक हो, एक देश एक चुनाव, सबका साथ सबका विकास कितना सार्थक, राष्ट्र संघ छात्र संघ चुनाव होना कितना आवश्यक है, नैतिक मूल्यों का हनन जो हो रहा है समाज में उसके जिम्मेदार कौन से कारक हैं। तो ऐसे तमाम मुद्दे जो हमारे देश में इस समय ज्वलंत रूप से हैं, उन मुद्दों को हमने अब इस प्रतियोगिता के माध्यम से छात्राओं के बीच में इन विषयों को रखा है और सभी छात्राएं इन विषयों से संबंधित अपने विचार हम सबके सामने रख रही हैं। हम ये चाहते हैं कि उनके इस विचार मंथन से, उनके संवाद प्रक्रिया से समाज में एक संदेश जाना चाहिए जिससे कि ये आज के युवा हैं और यही हमारे भविष्य हैं, और इन युवाओं का क्या विचार है, ये क्या इनकी परेशानियाँ हैं, क्या इनका विचार मंथन हुआ इस संवाद के माध्यम से, वो समाज के बीच में जाए और हमारे समाज को एक दिशा मिले। धन्यवाद। प्रियंका जी बताइए। समान नागरिक संहिता देश हित में होने के लिए संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत समान नागरिक संहिता की बात की गई है। राज्य के नीति निर्देश तत्वों में ये बताया गया है कि समान नागरिक संहिता का होना बहुत ही आवश्यक है। इसमें ये बोला गया है कि सभी को समान कानून दिया जाना चाहिए, चाहे वो शादी हो, तलाक हो, विवाह हो, जमीन जायदाद का बंटवारा हो आदि। फिर समान नागरिक कानून जो है सभी के लिए बराबर होना चाहिए, फिर चाहे वो किसी धर्म का हो, जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो। समान नागरिक संहिता को लागू करने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। समान नागरिक संहिता जो इसके झंडाधारी लोग हैं वो इसका समर्थन करते हैं, तो अल्पसंख्यक इसका विरोध करते हैं। अल्पसंख्यकों का ये मानना है कि इससे हमारे अनुच्छेद 25 का हनन है, और इसके झंडाधारी लोग ये मानते हैं कि इसकी कमी से अनुच्छेद 14 का हनन है। अनुच्छेद 14 में ये कहा गया है कि सबको समान धर्म के कानून होने चाहिए, और अनुच्छेद 15 में कि सबको धर्म की आज़ादी होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं दोनों ही अपने पक्ष के पक्षधर हैं, हम दोनों को ध्यान में रखते हुए इसको लागू करना चाहिए। दूसरा, अगर हम इसको लागू कर भी देते हैं तो एक बहुत बड़ा समाज हमारा अल्पसंख्यक का है।